हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम इस ब्यूटीफुल से वाइट केक की, जो कि स्पेशली मैंने 19th बर्थडे के लिए बनाया था, इसकी डिटेल में रेसिपी देखने वाले हैं। ये केक दिखने में जितना ज़्यादा सिंपल है, उतना बनाने में भी सिंपल है। सो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सो ये केक मैंने बनाया था हाफ के जी में, इसलिए यहाँ मैंने लिया है 6 इंच का एक पॉट, और उसे हमें सबसे पहले तो अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेना है, और फिर उसके बाद पॉट के बॉटम में हमें लगाना है बटर पेपर, और उसके ऊपर भी हमें ऑयल अप्लाई कर लेना है। फिर यहाँ मैंने लिया है 250 ग्राम वनीला प्रीमिक्स, और उसके अंदर हमें डालना है थोड़ा थोड़ा पानी, और विस्क की हेल्प से हमें कुछ इस तरीके से परफेक्ट फ्लोई कंसिस्टेंसी में बैटर रेडी कर लेना है। बैटर को पॉट में पोर करने के बाद हमें पॉट को आधा से एक मिनट अच्छे से टैप कर लेना है, ताकि उसके अंदर जितने भी एयर बबल्स हो वो सारे निकल जाए और हमारा केक इवन एंड फ्लैट बेक हो। मैं मेरा केक ऑलवेज कुछ इस तरह से कढ़ाई के अंदर बेक करती हूँ, और इस कढ़ाई में मुझे 25 से 30 मिनट लग जाते हैं केक बेक होने में, जो कि मैं करती हूँ लो स्पीड में बेक। हमें हाई स्पीड पर केक को बेक नहीं करना है। केक 30 मिनट में बेक होने के बाद 10 मिनट तक हमें उसे अच्छे से ठंडा होने देना है, और फिर सबसे पहले तो केक का जो बटर पेपर होता है वो हमें निकाल लेना है। पॉट के बॉटम में बटर पेपर लगाने से हमारा केक नीचे से स्टिक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, इसलिए एक सेफ साइड बोल के आप ऑलवेज आपके पॉट के बॉटम में बटर पेपर ज़रूर लगाना। केक को अब हमें करना है 3 लेयर्स में कट। यूजुअली हम हाफ के जी केक, 1 केजी केक को 3 लेयर्स में ही कट करते हैं। अगर हमारे कस्टमर को क्रीम ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इस सिचुएशन में हम केक को बस 2 लेयर्स में कट कर सकते हैं, और प्रीमिक्स की क्वांटिटी यहाँ बढ़ा के केक को थोड़ा बड़ा बेक कर सकते हैं। और अब यहाँ मैंने लिया है एक केक बेस, और उसके सेंटर में थोड़ी सी क्रीम लगा के उसके ऊपर हमारे केक का एक लेयर रख दिया है, और उसे अच्छे से पहले प्लेन वाटर से मैंने यहाँ सोक किया है, और फिर उसके ऊपर डाली है थोड़ी सी वाइट प्लेन व्हिप क्रीम, और कुछ इस तरह से हमें एक मोटा सा लेयर बना लेना है व्हिप क्रीम का हमारे तीनों लेयर्स के ऊपर। अब यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ मालाज का बटरस्कॉच क्रश, क्योंकि ये फ्लेवर मुझे बटरस्कॉच फ्लेवर में बनाना है। इस लेयर के ऊपर हमें डालना है 1 से 1.5 चम्मच क्रश, और उसे अच्छे से स्पून की हेल्प से कुछ इस तरह से केक के स्लाइस के ऊपर स्प्रेड कर लेना है। देन हमें अब रखनी है 2nd लेयर। ये लेयर होती है हमारी डोम शेप वाली लेयर, जो कि केक बेक करते वक्त सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, वो हमें ऑलवेज रखनी है सेंटर ऑफ द केक। उसे भी हमें अच्छे से प्लेन वाटर से सोक कर लेना है। देन थोड़ी सी वाइट प्लेन व्हिप क्रीम डाल के उसे भी स्लाइस के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। सो फ्रेंड्स, हाउ टू बीट परफेक्ट व्हिप क्रीम फॉर केक, एंड बहुत सारे केक डेकोरेशन रिलेटेड वीडियोस मैंने मेरे चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। अगर आप लोगों ने अब तक उसे नहीं देखा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार जाके ज़रूर चेक कर लेना। सो फ्रेंड्स, अब मैंने यहाँ हमारे केक का लास्ट लेयर रख दिया है, और उसे भी अच्छे से हमें वाटर से सोक कर लेना है। सो अब बारी आती है हमारे केक को क्रम कोट करने की। तो कुछ इस तरह से हमें पैलेट नाइफ में थोड़ी थोड़ी क्रीम लेकर जितना भी केक का हमारा ब्रेड दिख रहा है, उन सब के ऊपर हमें अच्छे से क्रीम को स्प्रेड कर लेना है। आप वीडियो में देख सकते हो, हमें व्हिप क्रीम का लेयर बहुत मोटा नहीं लगाना है, बस हल्की हल्की क्रीम हमें हमारे पूरे केक के ऊपर अच्छे से स्प्रेड करनी है, ताकि हमारा केक अच्छे से कवर हो जाए, और जितने भी हमारे केक में क्रम्स होंगे वो सारे उससे सेट हो जाए। सो क्रम कोट करने के बाद 10 मिनट हमें उसे फ्रिज में सेट होने देना है। सो 10 मिनट में मेरा केक भी यहाँ सेट हो गया है। अब मैंने यहाँ ली है अगेन प्लेन वाइट क्रीम, और आप वीडियो में देख सकते हो कुछ इस तरह से मैंने पैलेट नाइफ की हेल्प से केक के साइड्स को क्रीम से कवर कर लिया है, और अब मैं केक के टॉप पोर्शन को भी क्रीम से कवर कर रही हूँ। ये प्रोसेस करने में आपको लगेगा कि क्रीम बहुत ज़्यादा हो रही है केक के ऊपर, तो ऐसा नहीं है। हमें आइसिंग करते वक्त क्रीम थोड़ी ज़्यादा ही यूज़ करनी है, पर जब हम केक की फिनिशिंग करेंगे, तब फिनिशिंग करते करते हमारे केक की क्रीम निकल जाती है। आप अभी देख सकते हो क्रीम बहुत ज़्यादा निकल जाती है, और कुछ इस तरह से हमें करना है हमारे केक के शार्प एजेस एंड प्रॉपर फिनिशिंग के ऊपर मैं बहुत ही जल्दी मेरे चैनल पर वीडियो लेके आने वाली हूँ। सो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देख लेना, उससे आपकी क्रम कोटिंग
फाइनल आइसिंग एंड शार्प एजेस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, फॉन्डेंट आइटम बनाने के लिए यहाँ मैं यूज कर रही हूँ बेक हेवन का व्हाइट फॉन्डेंट, जो कि मेरे पास 1 kg के डिब्बे में अवेलेबल है। सो वो आइटम्स बनाने के लिए हमें लगेगा 100 grams व्हाइट फॉन्डेंट। आप लोग भी फॉन्डेंट ऑलवेज मेजरमेंट करके ही लेना, क्योंकि केक के अलावा हमें फॉन्डेंट का भी रेट इंक्लूड करके हमारे कस्टमर को वो सेल आउट करना चाहिए। सो व्हाइट फॉन्डेंट को हमें लेने के बाद सबसे पहले तो सॉफ्ट कर लेना है, और कुछ इस तरह से रोल करने के बाद हमें उसका 19 नंबर कट कर लेना है व्हाइट फॉन्डेंट में। और ये जो नंबर्स हम बनाने वाले हैं, इनका थिकनेस हमें थोड़ा सा मोटा रखना है, ताकि वो अच्छे से केक के ऊपर स्टैंडिंग पोजीशन में स्टेबल हो जाए। और उसके बाद हमें बनाना है व्हाइट फॉन्डेंट से एक बो। सो कुछ इस तरह से हमें अगेन व्हाइट फॉन्डेंट को रोल करना है, और एक रेक्टेंगल शेप में 2 strips हमें कट करनी है। आप वीडियो में देख सकते हो प्रोसेस। बो बनाने के बहुत अलग अलग मेथड्स होते हैं, आपको पिंटरेस्ट पे, गूगल पे अलग अलग स्टेप्स मिल जाएंगे बो बनाने के। सो मैं जिस तरह से बो बना रही हूँ, मुझे वही स्टेप बहुत ज़्यादा इजी लगती है। सो आप लोग भी ये स्टेप फॉलो कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, बो का 1 साइड कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह से हमें कोई टूल उस बो के अंदर इंसर्ट करना है। आप आपके अकॉर्डिंग कोई भी टूल ले सकते हो, ताकि हमारे बो का शेप अच्छे से स्टेबल रहे। और यहाँ अब मैं बना रही हूँ बो का 2nd part, और उसके अंदर भी मैंने कुछ इस तरह से टूल इंसर्ट कर लिया है। आपके पास ये नहीं होगा तो आप अपने घर में जो पेन पेंसिल होता है वो भी इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो। और फिर कुछ इस तरह से मैंने ली है प्लेन वाइट स्ट्रिप, और बो के सेंटर में हमें उसे लगा देनी है। इस स्ट्रिप से बो का लुक और भी ज़्यादा एनहांस हो जाता है। और ये जो हम फॉन्डेंट आइटम्स बनाते हैं, ये हमें केक बनाने से पहले ही रेडी कर देने चाहिए, क्योंकि इन्हें ड्राई होने में टाइम लगता है। सो हमारा केक बनने तक ये आइटम्स ड्राई भी हो जाते हैं, और फिर डायरेक्टली हम इसे हमारे केक के ऊपर प्लेस भी कर सकते हैं। सो आप देख सकते हो यहाँ मेरा बो तैयार हो चुका है, और जो अभी 2 नंबर्स मैंने बनाए थे 1 और 9, उसके अंदर मैं कुछ इस तरह से बड़ी वाली जो टूथपिक आती है वो इंसर्ट कर रही हूँ। बहुत ही आराम से हमें इन नंबर्स के अंदर टूथपिक को इंसर्ट करना है। अब मैं इन दोनों नंबर्स के ऊपर लगा रही हूँ न्यूट्रल जेल, क्योंकि हमें इन नंबर्स पर मल्टी कलर के स्प्रिंकल्स स्टिक करने हैं। सो उन्हें स्टिक करने के लिए हमें न्यूट्रल जेल की हेल्प लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आप लोग भी ये स्टेप ज़रूर फॉलो करना। किसी भी फॉन्डेंट आइटम पर अगर आपको स्प्रिंकल्स स्टिक करने हैं, तो आप पहले उस आइटम को लगाना न्यूट्रल जेल, तो उसके ऊपर आराम से कोई भी स्प्रिंकल्स स्टिक हो जाते हैं। अब हमें करना है केक पर बॉर्डर। सो उसके लिए यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ स्टार नोजल। इस नोज़ल को 12-star नोज़ल भी बोलते हैं, और इसका नंबर है 21। सो कुछ इस तरह से नॉर्मल बॉर्डर मैंने इस केक के ऊपर बना ली है, और जो हमने बो बनाया था वो कुछ इस तरह से केक के सेंटर में हमें प्लेस कर देना है। और जो 1 और 9 नंबर हमें बनाया था वो कुछ इस तरह से केक के बिल्कुल सेंटर में हमें स्टिक कर देना है। आप देख सकते हो वीडियो में, ये केक बहुत ही ज़्यादा सिंपल बट बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल भी लग रहा था। सो फ्रेंड्स, यह हमारा 19th बर्थडे केक इन बटरस्कॉच फ्लेवर में बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। सो फटाफट मैं आपको इस केक का बजट बता देती हूँ। सो हमने इस केक को बनाने के लिए 250 ग्राम वनीला प्रीमिक्स यूज़ किया है, जिसका कॉस्ट होता है 40 rupees। 250 ग्राम क्रीम मैंने यहाँ यूज़ की है, उसका भी कॉस्ट होता है 40 rupees। फॉन्डेंट जो मैंने मेजरमेंट करके लिया था 100 ग्राम, सो 650 rupees में 1 kg का फॉन्डेंट मिलता है। सो 100 ग्राम फॉन्डेंट का प्राइस होता है 60 rupees। क्रश जो हमने बटरस्कॉच का यूज़ किया था, उसका रेट होता है 10 rupees। बेस, बॉक्स एंड नाइफ का यहाँ मैंने पकड़ा है 10 rupees। स्प्रिंकल्स जो मैंने 1 और 9 पर लगाए हैं, और जो केक के बॉर्डर पर स्प्रिंकल किए हैं, उसका मैंने पकड़ा है 10 रुपीज़। गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी का मैंने पकड़ा है 10 रुपीज़। सो फ्रेंड्स, हमारे टोटल केक का कॉस्ट होता है 190 रुपीज़। आपके सिटी के हिसाब से इन रेट्स में ऊपर नीचे हो सकता है। सो इस तरह से आप सारे चीज़ों का मेजरमेंट करके ही ऑलवेज केक बनाना, अगर आप केक बिजनेस करते हो तो। इससे आपको कितना प्रॉफिट मिलता है, कौन सा केक में कितना लॉस होता है, इसका अंदाज़ा आ जाएगा।
सो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और जो उसके बाद जो मैं बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर देना, ताकि जब मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। सो मिलती हूँ मैं जल्दी आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।